परिवहन निदेशालय ने द्वीप समूह में ड्राइविंग लाइसेंस आधारित स्मार्ट कार परियोजना को शुरू किया है। आज परिवहन विभाग के मोटर वाहन अनुभाग में लाइसेंस स्मार्ट कार का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने सबसे पहले शिलापट्ट का अनावरण कर नए मोटर वाहन अनुभाग का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव ने वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के लिए प्रक्रिया का पालन किया। इसके बाद आयोजित समारोह में मुख्य सचिव के अलावा परिवहन विभाग के सचिव व निदेशक जीएल मीणा और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले परिवहन निदेशक ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए इस योजना के बारे में जानकारी दी। परिवहन निदेशक ने मुख्य सचिव को पहला ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड प्रदान किया। इसके बाद समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी उपस्थित प्रतिभागियों को दी गई। समारोह में मुख्य सचिव ने लाभार्थियों को इन स्मार्ट कार्डों का वितरण किया। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत किए। परिवहन विभाग के बिनॉय ने परिवहन विभाग के बिनॉय ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में अंडमान तथा निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।